देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 20 अक्टूबर को देश की पहली रैपिड एक्स मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है। 21 अक्टूबर से आम जनता इसमें सफर कर सकेगी। पीएम मोदी ने साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर पहुंचकर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। मेट्रो के शुरू होने से साहिबाबाद से दुहाई डिपो स्टेशन तक की दूरी को यात्री सिर्फ 12 मिनट में ही तय कर सकेंगे। दिल्ली से मेरठ तक का पूरा कॉरिडोर 82 किलोमीटर का होगा। अब आप सबके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे इसमें कितने स्टेशन होंगे, किराया क्या होगा, सस्ता होगा या महंगा। आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नई रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम रेलगाड़ी को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ी RRTS परियोजना का प्राथमिकता खंड रफ्तार भरने के लिए तैयार है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले इस 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में कुल 16 स्टेशन होंगे और 9 एडिशनल स्टेशन होंगे। पहले फेज में सिर्फ 5 स्टेशन के लिए ही रैपिड एक्स रेल चलेगी। उन 16 स्टेशन के नाम है साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुधर, दुहाई, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, प्रतापपुर रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल, MES कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम, मोदीपुरम और मोदीपुरम डिपो स्टेशन है। अभी सिर्फ साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन के बीच ही मेट्रो चलेगी। रैपिड ट्रेन इतनी तेजी से पटरी पर दौड़ती है कि 100 किलोमीटर की दूरी यात्री सिर्फ 60 मिनट में तय कर सकेंगे। इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, इसलिए यात्री दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर सिर्फ चंद मिनटों में ही तय कर लेंगे। रैपिड एक्स ट्रेन सुबह 6 बजे से चलनी शुरू होगी और रात को 11 बजे तक चलेगी। दो रैपिड एक्स मेट्रो के बीच 15 मिनट का गैप होगा, यानी हर 15 मिनट में एक रैपिड एक्स मेट्रो यात्रियों को मिलेगी। हर स्टेशन पर ग्राहक सुविधा केंद्र बनाए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर के जरिए भी रैपिड एक्स सेवा केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 0806965151515। अब अगर किराए की बात करें तो रैपिड एक्स मेट्रो की स्टैंडर्ड क्लास का न्यूनतम किराया ₹20 और अधिकतम किराया ₹50 होगा। स्टैंडर्ड क्लास में गाजियाबाद तक के लिए किराया ₹30, गुलधर तक भी ₹30, दुहाई के लिए ₹40 और दुहाई डिपो तक जाने के लिए ₹50 का टिकट लगेगा। वहीं प्रीमियम क्लास में न्यूनतम किराया ₹40 और अधिकतम किराया ₹100 होगा। गाजियाबाद तक के लिए ₹60, गुलधर के लिए ₹60, दुहाई के लिए ₹80 और दुहाई डिपो तक का टिकट ₹100 का होगा। UPI के जरिए भी टिकट खरीदने की सुविधा होगी। इसके अलावा टिकट वेंडिंग मशीन और टिकट काउंटर से भी टिकट खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन या फिर रैपिड एक्स कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी टिकट खरीद सकते हैं। रैपिड एक्स ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को काफ़ी आराम होने वाला है। वो साहिबाबाद से दुहाई तक की 20 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 12 मिनट में तय कर लेंगे। फिलहाल रोड के रास्ते जाने पर यह दूरी तय करने में 35 मिनट का समय लगता है, यानी जहां लोगों को आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय साहिबाबाद से दुहाई तक जाने में लगता था, अब आधे से भी कम समय में वो सफ़र तय कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 8 कॉरिडोर बनाए जाने वाले हैं। इनमें से फर्स्ट फेज में 3 कॉरिडोर बनते हैं, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर है। बाकी कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे वो हैं दिल्ली फरीदाबाद वल्लभगढ़ पलवल कॉरिडोर, गाजियाबाद खुर्जा कॉरिडोर, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर, गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर और दिल्ली शाहदरा बड़ौत कॉरिडोर है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा बनाई गई है। स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट पर भी पार्किंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर 2-व्हीलर और 4-व्हीलर वाहनों को खड़े करने के लिए पर्याप्त सुविधा है। वाहनों के हिसाब से पार्किंग के लिए शुल्क भी अलग अलग होगा।